ग्वालियर के बिजौली गांव में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। मामला 2.25 बीघा कृषि भूमि से जुड़ा है, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी का शिकार हुए पीड़ित की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडोतिया के अनुसार विकास शर्मा नामक व्यक्ति ने पुलिस को एक आवेदन दिया था, जिसके अनुसार बिजौली थाना क्षेत्र में उसकी 2.25 बीघा कृषि भूमि की रजिस्ट्री फर्जी ढंग से एक शख्स ने करा ली है। विकास को जब खसरे में दूसरे शख्स के नाम जमीन अंकित मिली, तब उसने पुलिस से गुहार लगाई। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस का कहना है कि इस मामले के 3 आरोपी हैं, जिन्होंने कूट रचित ढंग से वारदात को अंजाम दिया है। इस मामले के तार रजिस्ट्रार कार्यालय में भी जुड़े होने की संभावना है। ऐसे में पुलिस ने 3 आरोपियों को धोखाधड़ी के मामले में नामजद करके मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। थाना बिजौली के अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें आवेदक विकास शर्मा है, जिसके द्वारा अपने एक अन्य किसी व्यक्ति से 2022 में 5वें महीने में रजिस्ट्री कराई गई थी 2.25 बीघा की। रजिस्ट्री कराने के बाद उसको खसरे नंबर की जरूरत पड़ी, तो एक बार खसरे में जाकर देखा तो किसी दूसरे का नाम चढ़ा हुआ था। तो फिर जब पता लगाया तो उसमें ये बात सामने आई है कि 3 आरोपी है इसमें, इनके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को विकास शर्मा के रूप में खड़ा किया जाकर, उसके फ़ोटो खिंचवाए जाकर, और विकास शर्मा को खड़ा कराया जाकर रजिस्ट्रार कार्यालय से भी उसकी रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति को संपादित कर दी गई। जब उसने ये देखा तब जाकर उसने थाने में रिपोर्ट किया। थाने में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद 3 आरोपियों के खिलाफ IPC सेक्शन 400 धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर दिया गया।